हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमिता पटियाल। लास्ट ईयर जुलाई में मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था, तब से मैं यहाँ पे हूँ। मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था डॉक्टर रमनदीप कौर को, शी हैड सम कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, तो लास्ट मोमेंट पे वो यहाँ आई थी। और जिस तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स उनके किए गए, जिस तरह की केयर उनको प्रोवाइड की गई, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया डॉक्टर रमनदीप और इस हॉस्पिटल, हीलिंग हॉस्पिटल के लिए। मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही है फ्रॉम द बिगनिंग। कभी बीपी इशू, मतलब हाइपरटेंसिव सिचुएशंस रही हैं। आई हैड हाइपोथायरायडिज्म, जिसके अपने अलग से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लीवर इन्फेक्शन मुझे बहुत रहा है। तो ये पूरी प्रेगनेंसी जर्नी जो थी मेरे लिए एक चैलेंज भी था, लेकिन ये चैलेंज मुझे फील ही नहीं हुआ, बिकॉज डॉक्टर रमनदीप ने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से एक जिस तरह से एक माँ आपको समझाती है, कोई बड़ा आपको समझाता है, उस तरह से उन्होंने वो चीज़ें मुझे समझाई हैं। और मुझे फील ही नहीं होने दिया कि इट वॉज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। आप ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ तो ही मुझे गाइडेंस मिली है। मैंने घर से भी उनको मैसेजेस किए, कॉल किए हैं, कई बार आधी रात को कॉल की हैं, लेकिन मैम ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ मिस की हो। और बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद भी इतना स्मूथ प्रोसेस गया है दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं उनके अंडर आई थी यहाँ पे। मेरा सेकेंड बेबी है ये। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही थी, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी मैंने सोचा था कि और स्मूथ जाएगी, बट इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर रमनदीप सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लास्ट मोमेंट पे भी थोड़ी इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो सिजेरियन किया गया 8th month कंप्लीट होते ही, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड कम था और बेबी का ग्रोथ नहीं था। बट मुझसे ज़्यादा जो स्ट्रेस था वो मैम को था, बिकॉज शी हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई हैव टू गिव जो इनका है वो इन तक पहुँचाना है मुझे सेफली। तो देट वॉज सो अमेजिंग। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी जो मुझे चैलेंजेस फर्स्ट प्रेगनेंसी में फेस किए थे मैंने, वो इस बार बिल्कुल नहीं आए। ये भी इसलिए क्योंकि जो सर्जिकल प्रोसीजर डॉक्टर रमन ने किया था वो इतना सही से किया था कि मैं तीसरे दिन सिजेरियन के बाद ईजिली मूव कर पाई, एंड विद इन 7 days में विदाउट पेन जो थी वो अपनी पूरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रही थी। अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आफ्टर डिलीवरी, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रमनदीप आई एम सो ग्लैड आई केम टू हेयर, एंड आई हाईली रिकमेंड हीलिंग हॉस्पिटल एंड डॉक्टर रमनदीप फॉर एनी प्रेगनेंसी केस। एक्चुअली फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, जस्ट गो विद अ डॉक्टर दैट ट्रीट्स ह्यूमन एज देयर ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।